और इन सबके बीच बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है कार्यकर्ताओं के खिलाफ। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रहे, ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी है लेकिन सड़क पर भी संग्राम। पूछताछ की प्रक्रिया किसी भी मामले में जरूरी होती है और अगर किसी के ऊपर कुछ आरोप है तो उनका समाधान भी तभी निकलेगा जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जांच एजेंसियां तय करेंगी कि उनके पास जो क्लेम है वो सही है या नहीं है। लेकिन ये देखिए सड़क पर संग्राम भी है। इस बात का विरोध है कि सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों हो रही। सोनिया गांधी से पूछताछ को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है। सोनिया गांधी से पूछताछ कैसे की जा सकती। और ये तस्वीरें जरा देखिए, बैरिकेड्स को उखाड़ने की कोशिश है, बैरिकेड्स हटाने की कोशिश है, हालांकि पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। बैरिकेड्स पर चढ़ने से कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है लेकिन कार्यकर्ता है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने पहले से इंतजाम किए थे, रोकने की कोशिश की थी लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पानी में भीग कर भी ये बैरिकेड उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, जिनको वाटर कैनन की मदद से पीछे धकेलने का प्रयास पुलिस कर रही है और इन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत कांग्रेस पार्टी ने नहीं मांगी थी और ना ही अब ये देखिए ये नई स्ट्रेटजी है। जहां पानी की बौछार मारने की कोशिश की जा रही है वहीं बैरिकेड के नजदीक कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए कहीं पुतले भी जलाए गए हैं। सोनिया गांधी के जिंदाबाद के नारे, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे और पुतला दहन भी किया गया। तो प्रदर्शन कई तरीके से हो रहा है। इन सबके बीच ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, प्रदर्शनकारी हंगामा करते हुए और बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मामला नेशनल हेराल्ड का है, जिस नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं और उस मामले में ईडी और पूछताछ करना चाहती है क्योंकि जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुआ उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, अभी भी वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और जिस कंपनी को फायदा हुआ उसमें भी सबसे ज्यादा शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। तो इस संबंध में पूछताछ करना चाहते हैं ईडी के अधिकारी। इससे पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है, उस वक्त भी इसी तरह से हंगामा करने की कोशिश सड़क पर हुई थी और अब ईडी के अधिकारियों ने जब सोनिया गांधी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया तो एक तरफ तो सोनिया गांधी पूछताछ के लिए गई हैं ईडी के दफ्तर में लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए, उनके तमाम वरिष्ठ नेता इससे पहले हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि वो भी इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये जो कार्यकर्ता हैं ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको दिल्ली पुलिस के जवान बैरिकेड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये संघर्ष इस वक्त सड़क पर चल रहा है। इससे पहले सदन में भी ये प्रयास किया गया कि ये दिखाया जाए, देखिए ड्रोन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी देखा जा रहा है कि अब व्यवस्थाएं किस तरह से फैलाई जा रही हैं और इसके वीडियो एविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं कि अगर इनकी आवश्यकता कहीं पड़े तो वीडियो एविडेंस के तौर पर होना चाहिए कि पुलिस की कार्यवाही कैसे हुई है और प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा था। आपको बता दें कि यहाँ धारा 144 पहले लागू की गई थी और संसद सत्र जब भी चलता है तो धारा 144 लागू की जाती है, संसद की सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरते जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक रही है और इसी बात पर यह पूरा संघर्ष हो रहा है सड़क पर। इस वक्त विरोध इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी से पूछताछ कैसे की जा सकती है। कांग्रेस का यह कहना है कि नेशनल हेराल्ड का मामला कोई मामला है ही नहीं, उसको तो बेवजह उछाला जा रहा है और बेवजह उस मामले की आड़ लेकर सरकार बदले की राजनीति कर रही है और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जबकि प्रोटोकॉल निभाना के लिए आई हूँ,
कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी नेता को ही, हमारी कौमी अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमें कंडम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडम कर रहे हैं, आम जनता कंडम कर रही है।